एक्चुअली 2018 में मैंने मेरा जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया था मुंबई में, तोलानी कॉलेज नाम है। तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ गेम्स थे बहुत सारे, और वो फिजिकल जैसे बॉक्सिंग गेम है, जूडो भी है, आर्चरी और शूटिंग, इतने गेम्स थे वहाँ पे। बट आई वॉन्ट टू शूट वन पर्सन, बस मुझे खुद को अपना परफॉर्मेंस देखना था। तो उसकी वजह से मैंने आर्चरी और शूटिंग ज्वाइन किया था, पर ऐसे था कि शूटिंग का जो भी स्कोर है, जैसे पार्शलिटी नहीं होती इसमें, तो आई चूज शूटिंग। और वहाँ पे मेरे कोच थे किरण मैम और निसार सर करके, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि हाँ तू कर सकती है इसमें, बस एटलीस्ट कॉलेज ख़त्म होने तक स्टार्ट कर दे, बाकी देखा जाएगा। खेलो इंडिया में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं मैंने। कौन से ईयर्स? लास्ट ईयर 2023 में। हाँ, तो उसके बाद इंटरनेशनल भी मैंने खेले, तो उसके बेसिस पे मेरा एनसीयू में हुआ साई में, और मैं पिछले एक साल से यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मेरा परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारे लोग शूटिंग के ही हैं और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो वो ज़्यादा बहुत बेनिफिट कर गया मुझे शूटिंग के लिए। सेटिस्फाइड हूँ मैं परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैंने मेरा बेस्ट लेवल 100% दिया है। तो और मेन हमारे भारत में ही हो रहा था, इंडिया में हो रहा था ISSC वर्ल्ड कप फाइनल, होम ग्राउंड था, तो एक अलग फीलिंग था कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे खेलने की। सो अच्छा करना था, बेस्ट देना था अपना, और बहुत सारे लोग चेयरअप करने आए थे, तो उनको देख के भी ऐसे बूस्ट हो रहा था अंदर से कि हाँ कुछ भी हो, बस बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहाँ पे मैंने कम किया। सो आई गेव माई 100%। NCOE के थ्रू मैं यहाँ पे, साई के थ्रू मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ मैं। पिछले एक साल से, सितंबर से मैंने ज्वाइन किया था 2023 में, और एमिनिशन, रेंज अवेलेबिलिटी, सारा हॉस्टल का सब मतलब जो शूटिंग रिलेटेड मुझे चाहिए, जैसे साइकोलॉजिस्ट हुआ, फिजियोथेरेपी, सारा मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। एक एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का। खेलो इंडिया थ्रू भी, खेलो इंडिया की स्कीम में हूँ, तो उनके थ्रू भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, और सब बच्चों के लिए ये बेनिफिट करता है। मनु बकर, यस, मेरा मेन गोल अभी 2028 ओलंपिक्स है। बहुत लॉन्ग जर्नी है, बट मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और हम तैयार भी हैं मेहनत करने के लिए। होप वहाँ पे ओलंपिक्स में मेडल लाएँ, हम मेडल लाएँगे ओलंपिक्स में। और जैसे इस ओलंपिक्स में शूटिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, सो जैसे फैसिलिटी गवर्नमेंट का बढ़ गया है, तो वो सारे शूटर्स के लिए बेनिफिट कर रहा है। सो एक अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बढ़ गया है। और बस शूटिंग में नहीं, सारे स्पोर्ट्स में मेडल्स आ रहे हैं। जैसे हम देखें कि जूनियर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी हुआ था, तो उनमें इंडिया टॉप पे था, पेरू में जो हुआ था, और वो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं हो सकता था। सो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ओलंपिक गेम नेक्स्ट टारगेट है मेरा। मेन गेम अभी नेशनल चैम्पियनशिप है ईयर एंड में, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि उससे ही नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट होगा, मतलब रैंकिंग जो है नेशनल के बाद ही स्टार्ट होगा। सो मेन मोटिव अभी नेशनल चैम्पियनशिप है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के जितने भी इंटरनेशनल्स है उसमें टॉप परफॉर्मेंस दे, यही कोशिश रहेगी।